हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आइए चलते हैं फटाफट हमारे किचन में और बनाते हैं मटन कोरमा। टेस्टी टेस्टी रेसिपी यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 750 ग्राम मटन है और इसको हम मैरिनेट करते हैं। और मैरिनेट करने के लिए मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और गरम मसाला फ्रेंड्स ये, और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डालते हैं और एक बड़ा चम्मच दही डालते हैं। फ्रेंड्स, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये हो गया। और एक चम्मच नमक डालते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा तेल, बस इतना, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देखने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसे मिक्स करते हैं, हाथ से ही मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके मिक्स करके आप ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए रख दो तो मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। और ये देखिए, हमारा मटन अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। और इसको मैं 3 घंटे के लिए रख दूँगी क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मीट मटन मैरिनेट हो चुका है, इसे रख देते हैं एक तरफ। फ्रेंड्स, जितना हमारा मटन है और उसका आधा हमें प्याज डालना है। और आप लोग सोचेंगे कि इतना प्याज डालेंगे तो मटन मीठा हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, मीठा नहीं होगा। मैं बाद में बताऊंगी इसके लिए कि मीठा नहीं होगा। मैंने ये काटे हैं, अगर आपके पास इस तरह का है तो इसे फटाफट इस तरह काट लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इससे कट जाता है। इसी तरह के मैंने काटे हैं और आइए इसको एक तरफ रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये बड़ा भगोना लिया है मटन बनाने के लिए, जिससे आराम से चलाते बने ठीक से। और ये मैंने 1 कप से कुछ कम शुद्ध देसी घी लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, देसी घी में मटन बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और घी को गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं तेज पत्ते और ये थोड़ी सी दालचीनी, ये देखिए, और थोड़ा सा जीरा और 2-3 लाल मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग और सूखी धनिया और बड़ी इलायची तोड़ के फ्रेंड्स डालिए इसमें। ये देखिए, और छोटी इलायची 4-5 इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भून रहे हैं घी में। फ्रेंड्स, ये देखिए, मसाले हमारे भून रहे हैं अच्छे से देसी घी में। आइए इसमें डालते हैं प्याज, प्याज को फ्राई करते हैं। इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। प्याज हमारा देखिए फ्रेंड्स, सुनहरा हो चुका है। और आइए इसमें डालते हैं मटन। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी भूनते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमें 10 मिनट तक भूनना है क्योंकि मटन पर डिपेंड होता है कि वो किस तरह का, हमारा मटन फ्रेश है फिर भी टाइट होता है थोड़ा सा, तो इसे 10 मिनट हम भूनते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मटन 7-8 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए देसी घी में।
और आइए इसमें डालने वाले मसाले देख लेते हैं। ये प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट है और इसमें आइए डालते हैं हरी मिर्च, अरे सॉरी फ्रेंड्स, आधी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा गरम मसाला। और फ्रेंड्स इसमें डालते हैं आधा नींबू। फ्रेंड्स मैंने चिकन मैरिनेट करने में दही डाला था और मसाले में नींबू डाला है, तो इसी वजह से प्याज ज़्यादा डालने से प्याज हमारा मटन मीठा नहीं लगेगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस इतना, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। आइए इसी मटन में डालते हैं मिक्स करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डाल के फिर से भून लेते हैं करीब 4-5 मिनट। फ्रेंड्स 6-7 मिनट हो गए हमको मसाला भूनते भूनते, और ये देखिए अभी तो ज़्यादा कुक नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रेश मटन है, अभी ये हाफ कुक है। और आइए इसमें डालते हैं पानी, आवश्यकता अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डालें। मुझे भी थोड़ी तरी वाला चाहिए इसीलिए इतना पानी डाल रही हूँ मैं, और कम से कम इसे पकने देते हैं 40 मिनट तक। लगभग हमने 10 मिनट देसी घी में भूना था, 7-8 मिनट में इसमें भूनना है, और 40 मिनट तक इसको पकाते हैं, अच्छा मीट गलने तक, मटन गलने तक इसको पकाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मटन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और आइए डालते हैं इसमें हरा धनिया, ये देखिए मिला लेते हैं। आइए इसको सर्व करते हैं। आइए सर्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा मीट अच्छे से गल चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स या तो देसी घी में बनाए मटन, और या तो वो सरसों का तेल उसमें डाल के बनाए तभी भी बहुत अच्छा बनता है, मैंने देसी घी में बनाया है। आइए गाइस धनिया से गार्निश कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, और थोड़े से अदरक के लच्छे डाल देते हैं इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके गल चुका है हमारा मीट, और इसको अच्छे से आप चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। थैंक यू वेरी मच।